कैसा है? जबरदस्त, सुपर, बहुत अच्छा है। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ताज होटल को आइए, एक मरतबा टेस्ट कीजिए। हेलो, तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ और एक शानदार वीडियो में। और हम आज आ चुके हैं ओपनिंग सेरेमनी ऑफ वन एंड ओनली द होटल ताज, जो कि यहाँ के फेमस शख्सियत मोहम्मद मीना साहब की है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोग हमारे वीडियो को बहुत प्यार दिए, ऐसे ही प्यार देते रहो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो अभी हम बताने वाले हैं आपको ओपनिंग सेरेमनी, तो वीडियो पूरा देखें। क्या है मामा, इधर आइए। चांद भाई, तुम्हारा मालूम है ये होटल ताज में सबसे प्यारा क्या दिखा? क्या दिखाऊंगा? ये देखो, ये सेटिंग, ये सेटिंग सबसे प्यारी दिखी। कहीं को बोले तो यहाँ पे बर्थडे गिर्थडे जो करना चाहता ना, वो एकदम एक कैबिन टाइप में बना दिए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सबसे प्यारा क्या, वो तो फोटो बहुत बेहतरीन आती है पीछे मालूम। हमारा इंट्रो देखे चुके ना, कैसा आया देखो, यहाँ पे लाइटिंग वीटिंग भी है, जबरदस्त फोटो भी आती। और यहाँ पे देखो मस्त टेबल वेबल लगा के भाई इतने एंजॉय कर सकते हो। तमाम लोग बिल्कुल डायलॉग मारते हुए ले बाजू वाले चेयरमैन साहब जी, यहाँ का कैसा है खाना, क्या है? एकदम लाजवाब, जबरदस्त। सब एमएलए साहब से पूछिए कैसा है, जबरदस्त, सुपर, बहुत अच्छा है और बहुत टेस्टी है। और कागजनगर के लिए इतना टेस्टी वाला ये होटल पहले बार देख रहा हूँ मैं, और आने
आने दिन में और इनको मैं ये तरक्की में आना, और मैं इनको ये दुआ दे रहा हूँ कि ये होटल अच्छा चलना यहाँ लोगों की, और तुम लोग जरा खिदमत करो बोल के बोलो। छठे पे है और ये छठे पे है, और इसका जैसे सीलिंग भी अच्छा रहेगा। ये हमारे सब लोगों की दुआ है, मिले साहब की भी दुआ है, और हमारे चेयरमैन साहब की दुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही लजीज ताज होटल की बिरयानी मंदी। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ताज होटल को आइए एक मरतबा, टेस्ट देखिए, फिर दोबारा आपको आने का दिल करेगा। विनाश को भी मुबारकबाद। देखो स्माइल। हेलो, हाय बोलो। हाँ, बिरयानी कैसी थी बोलो? अच्छी थी। बिरयानी खाए आप लोग? कैसी अच्छी थी? लाइक करो, लाइक करो बोलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो बोलो। वो तो नहीं बोल सकते। ये हमारे तफीम भाई है। तफीम भाई, आपका इंट्रोडक्शन दो। ये हमारे आमिर भाई है। ये चानो आप चावड़ा, मुज्जू भाई दत्रा। ये पागल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा इनाग्रेशन हो गया है। अभी मंदी कैसा है क्या है आपको अभी बताऊंगा। मटन मंदी मंगाया और चिकन मंदी भी मंगाया हूं, अब बताऊंगा आपको कैसा रहता क्या रहता। कैसा है भाई? माशाल्लाह, आखिरी वो तो आखिरी है। एक बार आप भी आके विजिट कीजिए होटल ताज को, फैमिली रेस्टोरेंट है ये। मंदी कैसी है? मंदी का रिव्यू नहीं बोले। माशाल्लाह, बेबहरी है, खाली खाते किस बोल रहा है। हैदराबाद को बोल जाना और एक लाओ, समझ रहे? ओहो, तमशीर भाई दे रहे सो दे रहे। हम देने चाहे सुनने का नहीं है। तुम बोल रहे हो? नहीं भाई, तुम क्या बोलना चाह रहे? मैं अभी तो मैं सूप का टेस्ट करा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत ही बहुत अच्छा टेस्ट है। ये मंदी का, मंदी का तो टेस्ट करना है। हम लोग बोले थे मटन और चिकन ये मंदी लेके आ रहे बोल के, जबरदस्त आ गई है। खा के बोलूँगा मंदी किस तरीके से। टमाटे की चटनी लाओ। तमशीर, तुम क्या बोलना चाह रहे? जबरदस्त। देखो गोश्त तो मस्त गले हुआ है, छीते की तुड़ जा रहा। होठों से खाना है, होठों से भाई। टमाटे की चटनी अच्छा है, जबरदस्त खा सकते, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी नली मस्त है। खाओ, पेट भर के खाओ। One hour later. लगता है आयन भाई बहुत बिजी है खाने के लिए। आयन भाई, आप इसके लिए कितने रेटिंग दे सकते हो? आप एक बार बताइए। आपने 10 में से 8 दूंगा भाई, 10 में से 8 दूंगा, 10 में से 8 रेटिंग दे सकते हो। और टेस्ट कैसा लगा आप बताइए एक बार। अच्छा टेस्ट, नॉट बैड, अच्छा ही है। हमारे मुश्ताक भाई, कैसा है यहाँ का टेस्ट? मंदी तो अच्छी है, राइस की क्वालिटी 4 out of 5, पीस एकदम बेहतरीन है, डीप फ्राई हुआ है पीस,
एकदम बेहतरीन पीस है। मटन भी आपको अच्छे क्वालिटी में देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा है। ज़रूर एक बार विजिट करिए ताज रेस्टोरेंट को, जो कि आपको NTR चौरस्ता पर देखने को मिलेगा। थैंक यू। हमारे भैया लोग खा रहे हैं दबा के मंदी, जो मंदी के बहुत बड़े शौकीन है, इनसे पूछेंगे कि मंदी का टेस्ट कैसा है, क्या है, क्या बोलते हैं हमारे बड़े, कैसा है मंदी का टेस्ट? A1 टेस्ट है और मैं समझता हूँ हैदराबाद में खाया था मैं मंदी। अच्छा, बाकी यहाँ तो नहीं खाया। बेहतरीन टेस्ट है और कांग्रेट्स मिराज भाई, बहुत बेहतरीन टेस्ट लाए आप कागज नगर के लिए। और हमारे अलमौत कहते हैं भाई, खाना पड़ता है एक बार। तो शोएब भाई यहाँ का टेस्ट कैसा दिखा आपको? जबरदस्त है, सारे अपने बंदे दबा रहे हो खा रहे। भाई आप लोगों को टेस्ट कैसा दिखा भैया? चीज के बिरयानी खा रहे, कैसी है रिव्यू देंगे आप? भैया यहाँ का टेस्ट कैसा दिखा आपको? जबरदस्त है भैया। आप खा लिए? नहीं खाए। खाने के बाद आप कमेंट में बोल देना कैसा है। ओके, तो आप लोग देख लिए होंगे पब्लिक का रिएक्शन कैसा था मंदी और बिरयानी को लेके। तो अब अपन ट्राई कर रहे हैं फास्ट फूड। देखो हमारे पास चिकन 65 है, वसीम शोरमा लिया, फ्राइड राइस, चिकन मंचूरिया, वहाँ पे चिकन नूडल्स है, वहाँ पे भी फ्राइड राइस है। तो अभी हम सब लोग बारी बारी से पूछेंगे इन लोगों को, और इन लोगों को टेस्ट कैसा है क्या नहीं है पूछेंगे। तो वसीम शोरमा कैसा है खा के आप बोलो? शोरमा तो ज़बरदस्त है, शोरमे वाले को जैसा बनाओ बोले उन वैसा बनाता। तुम सलाद डालो बोले तो भी इसमें सलाद डालता, या तो स्पेशल बनाओ बोले तो स्पेशल बनाता। खाली चिकन ही अवेलेबल है? चिकन ही अवेलेबल है और ज़बरदस्त है। मायनीस आप जैसा बोले वैसा बना के देता और ज़बरदस्त बना के देता, बहुत ही बेहतरीन है। तो तमशीर भाई चिकन 65 कैसा दिखा आपको? देखिए ज़बरदस्त है चिकन 65, अल मौत वाल किराक है, ज़बरदस्त खाते भी याद करना। तो नहीं भाई आपको फ्राइड राइस कैसा दिखा? माशाल्लाह बहुत काफ़ी अच्छा, डिफरेंट थोड़ा टेस्ट अलग है, काफ़ी बेहतरीन है। राइस भी बिल्कुल एक नंबर है राइस, और इसकी जो क्वांटिटी है ना एक नंबर क्वांटिटी है। जितना आप सिंगल पर्सन तो पेट भर के खा सकता, दो पर्सन के लिए तो बहुत काफ़ी बेहतरीन है क्वांटिटी। आप ज़रूर विजिट करिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। और चांद भाई आपको कैसा दिखा, आप क्या लिए चांद भाई? अभी मैं चेक रहा हूँ फ्राइड राइस, अब कैसा है देखो। खाली फ्राइड राइस ले लिया हम ये, और ये ऊपर से डाल लिया हम प्याज, और ये ऊपर से डाल लिया मैं नींबू, ज़बरदस्त तरीके से परेशान होना। खाली देखो खाना है तो ऐसा खाना है, तो रखो खाओ, छोड़ दो प्लेट तुम्हारा। कैसा है टेस्ट बोलो, कैमरे में देख के बोलो, पूरा खाओ, पूरा खा के बोलो तुम। एनदर लेवल बोलते, देखो इसके भी ऊपर का लेवल का फ्राइड राइस है, जबरदस्त है, जायकेदार है, मैं तो 10/10 दूंगा। तो मुझे और रही बात ये जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की खास बात क्या बोलते हो, अब जैसा दूसरी जगह फास्ट फूड में कैसा रेड गिट जिसमें सॉस डाल के फ्राइड राइस बनाते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं, एकदम रेस्टोरेंट टाइप में ज़बरदस्त। ऐसा रेस्टोरेंट कहा था मैं, एक ही रेस्टोरेंट है जो ऐसे टाइप में देता। जी देखो एक बार लोग ये देख लो, दूसरा तुम लोग फास्ट फूड देख लो, लाल रहते इन लोगों के, देखो वाइट। तो मुझू भाई आप क्या खा रहे हैं? मुझू भाई जरा एक बार बोल दे रहा था माइक में, क्या खा रहे हैं आप? चिकन नूडल्स है, एकदम बेहतरीन है, एक नंबर है। यहाँ की क्वांटिटी इतनी है, एक प्लेट में भी दो इंसान आराम से खा सकते हैं। बता दो पब्लिक को। दे तो आपको बताएंगे, ये एक प्लेट है, इसमें माई वासी आराम से खा ले सकते ना बटे अपन आराम से। देखो इधर चिकन भी देखो, दूसरों के ऐसा नहीं है चमड़ा देते, दूसरे देखो प्योर चिकन है। तो पब्लिक के लिए गुड न्यूज है, यही होटल में मंदिर चैलेंज रखने वाले हैं। जो भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो कमेंट करें तो हम लोग उसमें से 5 मेंबर्स को लेते, और जो मंदिर चैलेंज का जो विनर था उसको पकड़ के 6 मेंबर का चैलेंज रहेगा। और भाई जो खा सकते उल्लास कमेंट करो, खाना वेस्ट करना नहीं है हमारे को, जो खा सकते हो लोग खाने की इज्जत करना है। देखो हमको छोड़ना नहीं है खाना, जो खा सकते हो उल्लास कमेंट करो। ओके, और बच्चों के वास्ते अलाउ नहीं है, नहीं खा सकते ना बच्चे, तो 18+ वाले मैसेज कर सकते हो। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मारो, दबा के मारो मारो पब्लिक। और अगर आप लोग यही होटल में पार्टिसिपेट करना है आप लोग को, वो भी कौन लोग, जो मंदी चैलेंज कर सकते,
वही लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं लेकिन छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि प्लेट मंदी कितना हाई रहती है वो आप लोगों को भी पता है, जो खा सकते हैं क्योंकि फूड वेस्ट करना नहीं है, जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ 5 मेंबर्स को हम लोग लिया जाएगा। और उसमें से जो नेक्स्ट वीडियो में जो बिरयानी का जो विनर हुए थे सद्दाम भाई के साथ, 6 जनों को ऐड कर उसको, और प्राइस भी बढ़ा दिया जा रहा है इससे पहले से। और ये वीडियो को तुम लोग पूरा देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये तरीका नहीं होता। जल्दी से जल्दी प्यार जताने का एक ही तरीका, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, फैमिली से शेयर करना, फ्रेंड्स में शेयर करना ना बोलो। और फॉरवर्ड मत करो, आप लोग स्किप कर दे रहे हैं, थोड़ा फॉरवर्ड करके देख रहे, पूरा वीडियो देखो, बिना स्किप करे वीडियो देखो आप लोग और ढेर सारा मजे लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।